हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने ये सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते हैं, ये डिस्कशन कर ली थी। ये कैसे कंपोनेंट्स बनते हैं ये सारा डिस्कस किया। ये क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैंने सिखा दिया पहले इन दोनों का क्या निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, फिर क्या होगा इसका क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर, यानी कि अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड आंसर। हमने किया अभी ये शीट के अंदर क्वेश्चन, अ वेक्टर एक्स वेक्टर व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अभी मिलता जुलता क्वेश्चन किया था कैसे, ये एक्स वेक्टर है, इसको ऐड करेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए कैप, ये है आपका ए कैप एंड सॉरी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो आंसर क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या आएगा जे कैप। तो यहां से सॉल्व करके क्या वेक्टर निकालना है आपने, एक्स वेक्टर, आई जे के वाली टर्म को राइट साइड पे लेके एडजस्ट करो आंसर आएगा। किया हमने ऐसा क्वेश्चन अभी एक्स वेक्टर वाला, ठीक है। x अकेला नहीं होगा, x वेक्टर होगा, वेक्टर वेक्टर विल गिव वेक्टर, आंसर भी वेक्टर, अकेला x नहीं चल पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर गिवन, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, a वेक्टर गिवन है और b वेक्टर गिवन है, फाइंड अ वेक्टर, एक नया वेक्टर ढूंढो वो कहता है, विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ b वेक्टर, तो उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बी वेक्टर के इक्वल होगा और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू ए वेक्टर। तो पैरेलल टू ए वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, ए कैप, जो डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताते हैं, और पीछे क्या लग जाएगा इसके, ए कैप। पीछे लगने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। तो वैल्यू बी वेक्टर का मॉड और डायरेक्शन के लिए यहां पर A cap। क्या ये स्टेप समझ में आया पहले, तो अब हम एक काम करते हैं, B वेक्टर का मॉड निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, B वेक्टर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉल्व करके 25, तो आधा आंसर आ गया 25। अब क्या रह गया, A cap, डायरेक्शन, डायरेक्शन किसकी, A वेक्टर के अलोंग निकालनी है A cap, A वेक्टर मुझे पता ही है रहा, A cap कैसे निकलता है, A वेक्टर देख के, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या है इसमें, 3i cap plus 4j cap, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 5 आंसर। तो a cap आ गया, b आ गया, b की जगह b और a cap की जगह a cap, 25 और 5 मल्टीप्लाई करके आंसर, तो नया वेक्टर आ गया। समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो आधा क्वेश्चन वैल्यू मैग्नीट्यूड और आधा क्वेश्चन डायरेक्शन, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रेजोल्यूशन का मतलब पता है कि कंपोनेंट्स में तोड़ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट पी, चलो पी नहीं या ओ कर लो, एक्टिंग एट पॉइंट ओ, ओ कर लो, ये ओ पॉइंट है। अब कितनी कितनी फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है पहले ये देख लो, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, कितने वेक्टर्स हैं कुल मिला के, 3। ठीक है, तो 3 वेक्टर्स हैं, एक 5 और एक 10 और एक 15, आपको नेट फोर्स निकालनी है, तो इसमें ट्राइंगल और पैरेललोग्राम 3 वेक्टर तो चलता ही नहीं है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा,
किसी का पॉलीगन लगा दो, पॉलीगन लगा तो लूँ, पॉलीगन में आर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ही नहीं हमारे पास, तो वो लगेगा नहीं। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका लंबा तरीका, जिसमें मैं आपको कहूँगा कि पहले ये वैक्टर लो, ये वैक्टर लो, इसका पैरलोग्राम ड्रॉ करो, एक नया वैक्टर निकालो रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट और इसका फिर एक नया रिजल्टेंट लो, दो बार पैरलोग्राम या ट्राइंगल लॉ लगाओ, पहले इन दोनों पे जो आंसर आएगा वेक्टर वो इस पे लंबा है। उसने क्या कहा कैसे करना है, बाई यूजिंग रेजोल्यूशन। ना भी कहा होता तो मैं आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही सिखाता, जितने मर्जी वेक्टर दे दो, 2, 3, 4, 5, 6 जो मर्जी, रेजोल्यूशन सबको एक ही बारी में समेट देगा। कैसे देखो, सबसे पहले 5 न्यूटन फोर्स है और 5 न्यूटन फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं। पहला कॉम्पोनेंट एक्स के अलॉन्ग होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो 5 cos 45। मैंने क्या सिखाया था कि अगर जो एंगल 45 डिग्री है उसके साथ का कॉम्पोनेंट क्या होगा, cos, और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में क्या जाएगा, 5 sin 45। क्या ये पॉइंट क्लियर है, cos एंड sin क्लियर है। अब जब मैंने इसके कॉम्पोनेंट्स बना लिए तो मैं इस वेक्टर के साथ काम नहीं करूंगा, क्यों, या तो आप एक्चुअल वेक्टर के साथ काम करोगे या उसके कंपोनेंट के साथ काम करोगे, दोनों के साथ एक साथ काम नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही है, मैंने आपको 100 रुपीज दिए, बोला 50-50 के दो दो, ये नहीं हो सकता। मैं 100 रुपये भी रख लूँ और 50-50 भी रख लूँ और कहूँ 200 रुपये पे काम चलेगा, नहीं चलेगा। या तो 100 या 50-50, यानी कि या तो कॉम्पोनेंट्स पे अपने कैलकुलेशन को करेंगे या फिर एक्चुअल वैक्टर, क्योंकि मैंने कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ कर दी, अब एक्चुअल वैक्टर मैंने नहीं देखना। उसी तरीके से 10 न्यूटन जो है उसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री के साथ, बोलो क्या, 10 cos 45 और वाई एक्सिस के अलोंग कितना, 10 sin 45। क्या पॉइंट क्लियर है, एंगल के साथ वाला कॉम्पोनेंट कॉस और परपेंडिकुलर साइन है। इसका क्या होगा कॉम्पोनेंट 15 न्यूटन का, कैसे ब्रेक करें, कोई भी वेक्टर जब ब्रेक करते हैं उसके दो कंपोनेंट कहां पे आके प्रोजेक्शन शो करते हैं, एक्स पे और जो पहली वाई पे लेटा हुआ उसको क्या तोड़ोगे, वो तो पहली वाई पे है, तो इसका क्या कंपोनेंट, ये खुद ही कंपोनेंट है, मतलब खुद ही वेक्टर है, इसका नहीं बन सकता। कंपोनेंट उन वेक्टर के बनते हैं जो एक्स और वाई के अलोंग नहीं होते, एक्स वाई प्लेन में होते हैं, उनको एक्स और वाई में लाया जाता है, जो ऑलरेडी एक्स और वाई में है उनका कोई कंपोनेंट नहीं। क्लियर है यहां तक, तो इसके अंदर आप चेक करो यही किया हुआ है, ये 5 न्यूटन है, 45 डिग्री है, तो एक वैल्यू 5 cos 45, एक वैल्यू 5 sin 45, 10 न्यूटन में 45 डिग्री, 10 cos 45, 10 sin 45, और ये एज इट इज। अगर वैल्यूज पुट करते हैं, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, तो क्या आएगा 10/√2, साइन 45 1/√2, 5/√2, ऐसी ये कितना 5/√2, 10/√2। जब आपने कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ कर लिए तो मैंने क्या सिखाया, आपने अब इन वेक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं देखना, नहीं देखना इसको, नहीं देखना इसको, बस ठीक है। तो आपके पास दो वेक्टर ये रहे, ये पहला वेक्टर है ऊपर की तरफ और ये दूसरा वेक्टर है ये भी ऊपर की तरफ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, इमेजिन करो एक वेक्टर 10 है एक 20 है, तो नेट वेक्टर क्या आएगा, 10 + 20 = 30। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसमें रिजल्टेंट क्या लगाना, ऐसी ऐड कर दो, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट क्या लगाना, वैसी माइनस कर दो। तो इन दो वेक्टर को ऐड करके एक नया वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस प्लस दिस। तो देख रहे हो इन दोनों को ऐड करके एक नया वेक्टर आ गया, ठीक हो गया, इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी। उसी तरीके से ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब आपके पास कुल मिला के 4 वेक्टर रह गए, इन दोनों की जगह एक वेक्टर आ गया जिसकी वैल्यू मैंने लिख दी 1, 2, 3 और 4, ये बच गया। अब एक काम करो, ये दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो सोचो अगर एक फोर्स इधर है 10, एक फोर्स इधर है 20, तो नेट फोर्स क्या होगी, 20 - 10, माइनस करना पड़ेगा सेम। इन में से जो भी बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो, कौन बड़ा है, 10/√2 बड़ा है और 5/√2 छोटा है, तो माइनस करके नेट फोर्स कहां आएगी, इस तरफ, कितनी आएगी, 10/√2 - 5/√2, राइट। और उसी तरीके से ये 15/√2 और ये 15, तो इन में से ये बड़ा है और ये छोटा है क्योंकि इसमें रूट टू से डिवाइड हो रहा है, तो छोटी हो जाएगी वैल्यू, तो नेट फोर्स क्या आएगी, बड़ी में से छोटी को क्या कर देना है, माइनस, ऑपोजिट है,
तो नेट वेक्टर कहाँ आएगा? डाउनवर्ड। तो क्या ये बात समझ में आती है कि एक वेक्टर इधर एक इधर आएगा। अब दो ऑपोजिट को सॉल्व करके ये आ गया, इन दो ऑपोजिट को सॉल्व करके नया वेक्टर आ गया मैग्नीट्यूड। अब दो वेक्टर जो आखिरी बचे वो कितने एंगल पर है? 90। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। आप कॉमन सेंस से नहीं कर सकते कि क्योंकि दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, दे आर नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो पैलोग्राम लॉ से रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, दिस इज द नेट आंसर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कमाल देखा, कुछ भी नहीं करना, कोई ट्राइंगल कोई कुछ नहीं किया, बस उठा के एक्स और वाई कॉम्पोनेंट और फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन करो प्लीज इसके ऊपर, ट्राई करो। क्वेश्चन है, सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक फोर्स है एक दो तीन, एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री। ये फोर्स है 10 न्यूटन 5 न्यूटन 15 न्यूटन। नेट फोर्स बतानी है, ओ पॉइंट पे क्या लगेगी? बनाओ वेक्टर्स इसके एक्स में वाई में और फिर नेट आंसर निकालने की कोशिश करो। आंसर अजीब आ सकता है पर आप कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करते रहो, क्योंकि अपने मन से वैल्यू लिया मैंने इसमें। ट्राई करो।
देखो हाँ बहुत अजीब आंसर है, देखो आंसर के चक्कर में मत पड़ो, आंसर की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ मेथड को देखो इसमें क्या यूज करना है। सबसे पहली चीज इसमें हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। पहला कंपोनेंट 5 न्यूटन का ड्रॉ करते हैं, 5 न्यूटन का पहला कंपोनेंट ये रहा और दूसरा कंपोनेंट ये रहा। इसकी जो वैल्यू है देखो वो क्या आएगी, वैल्यू आएगी 5 इंटू कॉस ऑफ कितना 60, और ये क्या आएगी 5 इंटू साइन ऑफ 60। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, पहला सबने ऐसे किया। अब ये करने के बाद आपको ये वेक्टर नहीं चाहिए, तो क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो ये पेन है जो ये मिटा देता है, आपको नया डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो मेरा तो डायग्राम हो गया साफ, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं 10 न्यूटन की, तो 10 न्यूटन का एक वेक्टर कंपोनेंट 10 इंटू कॉस ऑफ 30 यहाँ आएगा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ आएगा 10 इंटू साइन ऑफ 30। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं इसको हटा लूंगा, ये लो गया, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट 15 न्यूटन का एक कंपोनेंट नीचे आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 15 इंटू कॉस ऑफ कितनी 45, और एक क्या होगी 15 इंटू साइन ऑफ 45। तो जैसे ही मैंने ये ड्रॉ किया तो मैं इसको भी हटा दूंगा और मेरे पास बस ये आ गया। क्या सब लोगों ने यहाँ तक कर लिया? ठीक है, कॉम्पोनेंट्स आ गए, राइट। अब इसकी वैल्यूज की बात करते हैं, तो साइन ऑफ 60 क्या है, रूट 3/2, तो कितना आ गया 5√3/2, और यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हाफ यानी कि 5, ठीक है। इसको करेंगे तो 5/2 आएगा, cos 60 हाफ है, इसको करेंगे 5/√2 आएगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू √3/2 यानी कि 5√3 आएगा, इसको करेंगे तो 15/√2 आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? वैल्यूज पुट कर ली। अब वैल्यूज जब पुट कर रहे हैं तो इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, बस मुझे चाहिए ही नहीं ये, मैं क्या करूंगा, नया डायग्राम बना लेना आप लोग, ये लो ये बन गया, ये गया बस। ये देखो डायग्राम एकदम साफ हो जाएगा, एकदम बहुत क्लियर डायग्राम दिखेगा आपको, आपको नहीं दिखेगा बस आपकी कॉपी में नहीं दिखेगा, आप कॉपी में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपके पास पेन नहीं ना, मेरे पास है। तो देखो कितना सही डायग्राम बन गया, आप बार बार नए डायग्राम बनाएंगे तो ये रहा, ये देखो ये आ गया, देखो कुछ भी नहीं बचा, छोटा छोटा सा बन गया। तो इसमें एक वैल्यू क्या थी 5 और एक है 5√3। तो एक काम करते हैं, ये दो वेक्टर है ना, इन दोनों की जगह एक वेक्टर लगा लेते हैं और जिसकी वैल्यू क्या होगी 5 + 5√3/2।